हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। समर वेकेशन खत्म हो चुकी है, बच्चों का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। अभी सबको टेंशन होगा कि बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, तो डोंट वेरी, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए सिलेबस लेके आई हूँ बच्चों को वन ईयर में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे नर्सरी स्टूडेंट्स का सिलेबस 21-22 में, नर्सरी क्लास में क्या क्या सिलेबस है। फर्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है विथ डेमो, मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी एंड आपको बताऊंगी। तो पहले फर्स्ट है हमारा स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में क्या क्या है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स। ये है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, जिसे बच्चों की प्रैक्टिस कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स का डेमो, ये रहा प्री राइटिंग स्ट्रोक्स का डेमो। फर्स्ट है हमारा स्टैंडिंग लाइन। आप एक चीज ध्यान रखें, बच्चों को जब भी आप इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करें तो फोर लाइनिंग कॉपी ही यूज करें, और बच्चों को स्टैंडिंग लाइन इस तरह बिग में दे, बच्चे इसे ट्रेस करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, डॉटेड लाइन। नेक्स्ट आप उन्हें बस स्टार्टिंग डॉट एंड एंड डॉट दे, उसमें बच्चे ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट आप उन्हें थ्री लाइन में, जिस लाइन को हमारा बेसिक है, उन्हीं लाइन में आप डॉटेड दे, ताकि बच्चे छोटे छोटे ट्रेस करें। उसके बाद टू डॉट्स में बच्चे ट्रेस करेंगे, देन सिंगल डॉट्स एंड ओनली थ्री लाइन तक ही। नेक्स्ट है स्लीपिंग लाइन। सेम प्रोसेस में आप स्लीपिंग लाइन दे, बच्चे ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट है प्री राइटिंग स्ट्रोक का स्लैंटिंग लाइन। पहले बिग दे, देन स्टार्टिंग लाइन एंड एंडिंग लाइन में दे, देन हमारे थ्री लाइन्स में दे, और बच्चे उसे ट्रेस करेंगे, देन सिंगल डॉट्स में बच्चे ट्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कर्व। कर्व का भी सेम प्रोसेस है, आप उन्हें बिग सा दे, देन थ्री लाइन में लिखेंगे, देन टू डॉट में एंड सिंगल डॉट में। जब वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो आप आगे देते जाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कराएं। फोर स्ट्रोक्स के बाद आता है हमारा कैपिटल लेटर ए टू जेड, रिटन एंड ओरल। आप बच्चे को नर्सरी में कैपिटल लेटर ए से जेड तक रिटन एंड ओरल दोनों सिखाएंगे। किस प्रोसेस में सिखाएंगे, ट्रेसिंग ए टू जेड। जैसे कि आपने बच्चों को लाइनिंग सिखाई है, उसी लाइन को फॉलो कर बच्चे को ए टू जेड ट्रेसिंग सिखाएंगे। इसका डेमो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह आप ट्रेसिंग के लिए बच्चों को दे दे, बड़ा बड़ा लिखकर, पहले बच्चे ए ट्रेस करेंगे, बच्चे स्लैंटिंग लाइन सीख चुके हैं, स्लीपिंग लाइन सीख चुके हैं, तो उसे फॉलो कर बच्चे ट्रेस करेंगे। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, मैक्स तो लेटर ए। नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, कर्व, कर्व, मैक्स तो लेटर बी। इस तरह बच्चे ट्रेस करेंगे ए टू जेड एंड वो प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। जब बच्चे लेटर सीखेंगे तब उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स फॉर वर्ड्स आप उन्हें देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है लेटर ए, ए के रिलेटेड फोर ऑब्जेक्ट्स है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एरो, ए फॉर एक्स। बी, बी रिलेटेड बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बैलून, बी फॉर बैग। इस तरह आप बच्चे को लेटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी बताएं, बच्चे उसे ओरल प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है आपका लेटर टू लेटर मैचिंग। बच्चे लेटर से लेटर को मैच करेंगे। लेटर आइडेंटिफिकेशन, लेटर को आइडेंटिफाई करेंगे। लेटर टू ऑब्जेक्ट मैचिंग, सर्कल द करेक्ट लेटर, करेक्ट लेटर को वो फाइंड करके सर्कल करेंगे। सर्कल द करेक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट ऑब्जेक्ट को, लेटर से स्टार्ट होने वाली करेक्ट ऑब्जेक्ट को बच्चे सर्कल करेंगे। ए टू जेड विथ फोर वर्ड्स ओरल, ए से जेड तक इच लेटर का फोर वर्ड्स, उनको ओरली प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एक्स, ए फॉर एरो। ए टू जेड रिकॉग्नाइजेशन, ए टू जेड बच्चों का रिकॉग्नाइजेशन अच्छे से होनी चाहिए, उन्हें सारे लेटर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फिल द मिसिंग लेटर्स, ए टू जेड सीखने के बाद बच्चे को मिसिंग लेटर्स आपको देना है, जिसे वो फिल करेंगे। नेक्स्ट है फोनिक्स। फोनिक्स भी बच्चे को नर्सरी में ही थोड़ा बहुत फोनिक साउंड बताना है। जैसे कि नॉर्मल लेटर हम ए को फोनिक्स में कहते हैं ए, बी को बा,
इसी तरह आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। अभी मैं ये सब का डेमो आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट है लेटर टू लेटर मैचिंग। ए ए को बच्चे यहाँ से फाइंड करेंगे एंड मैच करेंगे। बी बी से बी को मैच करेंगे। नेक्स्ट लेटर टू ऑब्जेक्ट मैचिंग। ए ए से स्टार्ट होने वाली ऑब्जेक्ट यहाँ से फाइंड करेंगे, एप्पल मैच करेंगे। बी बी फॉर बॉल। नेक्स्ट सर्कल द करेक्ट लेटर। यहाँ पे लेटर देखेंगे ये कौन सा लेटर है, ये तीनों में से करेक्ट लेटर जैसे कि यहाँ पे है ए तो उसे सर्कल करेंगे। राइट मिसिंग लेटर्स, यहाँ पे कुछ लेटर्स है उनमें से मिसिंग लेटर्स राइट करेंगे, फिल करेंगे। ए ए के बाद क्या आता है, बी बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह बच्चे फिल करेंगे। सर्कल द करेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए लेटर है, लेटर से स्टार्ट होने वाली करेक्ट ऑब्जेक्ट को बच्चे सर्कल करेंगे। ए ए से स्टार्ट होता है एप्पल, एप्पल को सर्कल करेंगे। बी 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 से क्या स्टार्ट होता है, बॉल, बॉल कहाँ है, यहाँ बॉल को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ए ए के बाद कौन कौन सा लेटर आता है ब्लैंक से उसे फिल करेंगे, जैसे कि बी सी डी। नेक्स्ट ई, ई के बाद एफ जी एच, इस तरह बच्चे फिल करेंगे। तो ये पूरा है हमारा नर्सरी 21-22 का इंग्लिश का सिलेबस। ओके, आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मैथ सिलेबस।